हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय प्रीमियर। और आज अभी हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं और इसमें इससे कंट्रोलर को चेक करना है, कंट्रोलर सही है कि नहीं है। ये मोटर कंट्रोलर टेस्टर है, मतलब कंट्रोलर भी चेक हो जाएगा, मोटर भी चेक हो जाएगा और थ्रोटल भी चेक हो जाता है। पर मोटर में मैग्नेट खराब होगी ये नहीं बताएगा, लेकिन सेंसर अगर सही है तो ये बता देगा। और अगर मैग्नेट खराब है तो भी पता चल जाता है, लेकिन आपको अभी इसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि आप जब डेली डेली करेंगे, पुराने हो जाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मैग्नेट और सेंसर दोनों को मैचिंग से ही बत्ती जलती है। तो अभी अंदाजा मान के चलो कि सेंसर का सिर्फ बताएगा, मैग्नेट का नहीं बताएगा, लेकिन वो बताता है, आपको पता नहीं चलता है। तो अभी कंट्रोलर चेक करना है, इसे कंट्रोलर कैसे चेक करेंगे बताना है। कंट्रोलर कैसे चेक करेंगे, इसमें जो है कंट्रोलर के सेंसर वायर लगानी है, मतलब कंट्रोलर में जो देखो ये कंट्रोलर है और ये सेंसर वायर है, तो ये इसमें डाल दी, ये देखो है ना। और ये वाली फेस वायर है जो कंट्रोलर की मोटी मोटी जो तार है, ग्रीन येलो ब्लू, उसमें जोड़ देंगे, ये देखो इसमें जोड़ दिए। और ये वाली इसमें जोड़ दिए, और ये वाली इसमें जोड़ दिए। अब ये तीनों जोड़ने के बाद, ये तीनों जोड़ने के बाद हम थ्रोटल जो गाड़ी में लगी रहती है, जैसे गाड़ी खराब हो गई आपकी तो कंट्रोलर या मोटर पता करना कि कौन सा खराब है। तो थ्रोटल तो उसमें लगी रहती है, हैंडल में वो लगी हुई है और बैटरी की सप्लाई लगी हुई रहेगी। सिर्फ आपको दो ऑप्शन चेंज करना है, सेंसर वायर और मोटर की फेस वायर, इसके साथ में जोड़ना है, बस इससे ज्यादा काम नहीं है। अगर आपकी कोई गाड़ी है घर में, रिपेयरिंग करते हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या नई गाड़ी ली है समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसी तरह चेक करेंगे, मोटर की मोटी वायर, कंट्रोलर की मोटी वायर और कंट्रोलर की सेंसर वायर को इसके साथ कनेक्ट करना है वनली, उसके बाद इसे रेस देंगे। ये देखो हमने इसे बटन दबाने के बाद, ये बटन इसलिए दबाएंगे क्योंकि इसका जो है 5 वोल्ट की सर्किट जो है वो 5 वोल्ट इससे दिखता है, बत्ती जल गई है। अब बैटरी हमने चालू कर दी है, इसमें दे दिए बैटरी के वोल्टेज, कंट्रोलर में गाड़ी में लगी है अगर तो गाड़ी में तो वोल्टेज है ही नहीं। थ्रोटल घुमाएंगे, ये देखिए चेंज हो रही है, ये सही सही रनिंग ले रही है, मतलब क्या हो रहा है कि ये कंट्रोलर काम कर रहा है। अगर किसी एक सेक्शन में खराबी होगी अंदर में कंट्रोलर में, तो अब जैसे मान लीजिए एक सेक्शन में खराबी है, ये हमने हटा दी, तो अभी देखो क्या होगा, दो बता रहा है, इधर से इधर बता रहा है, ये बता रहा है और ये नहीं बता रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एक सेक्शन काम नहीं कर रहा है। अगर आपने इसको उल्टा लगाए तो ये थोड़ा सा इसको राउंड भी गलत बताएगा कि देखो गलत बता रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको तो चेक करना है सिर्फ। ये देखिए मैंने तार चेंज कर दिया, ग्रीन को ब्लू में, ब्लू को ग्रीन में, तो ये देखिए इसके जो राउंडिंग है वो चेंज हो गया। एक्सेलरेटर दिखा दीजिए, एक्सेलरेटर देखिए, घुमाता हूँ तब होता है, ऐसे घुमाएंगे नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो ये राउंडिंग चेंज हो गया, मेरा कहने का मतलब है कि ये तीनों फेस काम कर रहा है, यहाँ मैचिंग नहीं किया वो अलग बात है, अगर मैचिंग में मैचिंग हो जाता है तो ठीक है। तो अभी जो है इस तरह से आपका कंट्रोलर चेक कर सकते हैं, मोटर भी इसी से चेक होता है, उसको हम बाद में बता देंगे, मोटर भी इसी तरह चेक होता है। मोटर जानते हैं चेक करने में, अंकली मोटर नहीं जानते, मोटर दो भाई, मोटर दो, अभी से हम तो खोलते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह से ये खरीदना हो तो बहुत सस्ता है, आप अपने पास रखिए। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी आपके पास है, चाहे इंडिया में कहीं भी रहते हो, तो हम यहाँ भेज देंगे आपके पास, हम इसे बेचते हैं। और ये रिपेयरिंग के लिए जो आप किसी दुकान पे जाओगे, उससे पहले आप पता कर सकते हो कि मेरी मोटर में खराबी है या फिर कंट्रोलर में खराबी है ना, तो इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे स्मार्ट वाली कंट्रोलर होगी तो उसके साथ में सॉकेट भी लेना पड़ेगा, जैसा स्मार्ट कंट्रोलर चेक करना है तो उसका कनेक्शन इसमें डालने के लिए उसका सॉकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चिमटी उसमें पकड़ेगा नहीं, है ना, तो उसकी वायरिंग लेनी पड़ेगी। मोटर दो एक चालू मोटर, है ना, ये मोटर है, ये मोटी वाली वायर है मोटर की, सर को सेकंड दिखाओ यार, सर को दिखाने से, अरे जो कोई जरूरी नहीं है, जो जरूरी वो समझो। अच्छा ये देखो, ये इसकी सेंसर वायर है, ये कलर अलग अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत कर दिए, इसका मतलब यह है कि जिस कंट्रोलर में हम इसको चेक किए थे इससे पहले, उसमें से इसी तरह का मैचिंग मांग रहा था, इसलिए ऐसा है। तो आप उसको, मैं सीधा सीधा करता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
मैग्नेट खराब होता है ना तो भी इसमें पता चल जाता है, पर उसके लिए ना 2-4-10 बार करोगे तो समझ में आएगा। मैग्नेट अगर खराब होगा, जैसे 2 मैग्नेट खराब है तो राउंडिंग करते हैं ना मोटर को, मोटर में मतलब मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो इसमें लगाना है मोटर वाली वायर में, सेंसर वायर को लगाना है। ये देखो अंकल जी, मोटर के सेंसर वायर लिखे थे, ये देखो निकाल दिए, बत्ती निकल गई, ये हॉल सेंसर लिखा भी है, तो ये इसी में डालना है, ठीक है। अब डालने के बाद ये तार टच ना हो जाए, है ना, ये अलग अलग क्यों नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो है, ये देखो ये 2 बत्ती जल रही है, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि सेंसर ना 2 मैग्नेट के पास है, तीसरे जो है मैग्नेट के पास नहीं है। 3 सेंसर होते हैं, 2 सेंसर मैग्नेट के पास है, 1 सेंसर मैग्नेट के पास नहीं है। अब यहाँ पे हम घुमाएंगे तो ये जो मैग्नेट जो सेंसर है जिसके मैग्नेट के पास नहीं है वो अभी चला जाएगा, ये इधर में कोई ना कोई चेंज हो जाएगा। देखो ये देखो ये यहाँ पे आ गया, अब ये मैग्नेट के पास है, बाकी 2 मैग्नेट के पास नहीं है। तो ऐसे ही इसको हम ऐसे चेक करेंगे, बदल बदल घुमाएंगे, जैसे जैसे घुमाएंगे ये चेक होता जाएगा। आप रनिंग करेंगे देखो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है खाली ये चेक, सेंसर चेक हो रहा है, सेंसर मैग्नेट भी चेक हो रहा है, लेकिन आपको अगर इसमें एक मैग्नेट खराब है, मैग्नेट एक खराब है तो आपको अंदाजा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बाइक है आपके पास तो उसमें अगर 2-4 मैग्नेट एक जगह खराब है तो अंदाजा मिल जाएगा, क्योंकि आपको जब ऐसे घुमाएंगे तो जहां पे ज्यादा मैग्नेट खराब है ना वहां रुक के आएगा, बाकी जगह जो है पूरी तरह से रनिंग में आ जाएगा। जहां पे ज्यादा खराब है, एक जगह पे 3-4 खराब है तो वहां पे रुक के आएगा, बस ये पता चलेगा आपको, इससे अंदाजा मिल जाता है कि मैग्नेट खराब है। तो दोस्तों आपको अगर इसको सीखना है तो हमारे पास आइए, दिल्ली के करोल बाग मेट्रो के पास अपना ऑफिस है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मोटर कंट्रोलर चार्जर रिपेयरिंग देना है तो रिपेयरिंग दीजिए, या फिर सीखना है तो सीखिए किसी भी तरह का। कई लोग कहते हैं कि ओकिनावा के मोटर बनते ही नहीं है, जो बनाते हैं वो झूठ बोलते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ जितने मोटर है ओकिनावा का आप हमारे पास भेजिए, सभी मोटर बनाकर देंगे, चलाकर चेक करके देंगे, गारंटी भी मिलेगी आपको, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।